सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसे कि आप लोग हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहे हो या फिर किसी के माध्यम से आप लोग हॉटस्पॉट आपका कनेक्ट है तो आप लोग का जो हॉटस्पॉट होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पे ऊपर साइड में हॉटस्पॉट एक्टिवेट है, चालू है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसका क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मुझे बार बार देखने को मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देन फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नजर। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है कनेक्शन एंड शेयरिंग, ठीक है। कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कई सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, यहाँ पे कितनी सारी सेटिंग है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक सेटिंग देखने मिलती है रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, एंड ब्लूटूथ, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने को मिलता है वाईफाई, मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ, तो आपको वाईफाई पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक होता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे देखने मिलता है रीसेट सेटिंग, यहाँ पे तीनों सेटिंग रीसेट हो जाएंगी, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, ठीक है। तीनों सेटिंग आपकी रीसेट हो जाएंगी, तो आपको रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग एक अपना कंफर्म यूपीआई पिन को, सॉरी कंफर्म अपना पिन डालेंगे, जो भी आपका कंफर्म पिन है। मैं अपना कंफर्म पिन डाल देता हूँ, मैं स्क्रीन वाला पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको क्या करना है, ओके ओके करेंगे और यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। अब आपको थोड़ी देर में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हॉटस्पॉट चालू करेंगे, किसी के माध्यम से आप लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करेंगे जिसको आपको, आप नेट चलाना है, जिसको आपको दूसरे फोन में नेट चलाना है, तो आप लोग कनेक्ट करेंगे वाईफाई थ्रू और आपका हॉटस्पॉट यहाँ पे बंद नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको हॉटस्पॉट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख मतलब कनेक्ट, यहाँ पे अगर कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे इस पर टिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे देखने मिलता है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से ऑफ रहता है, ठीक है, इस तरीके से ऑफ रहता है तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऑन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जब भी अपना वाईफाई चालू करोगे, अपने दूसरे फोन में कनेक्ट होता है, पहले ऑलरेडी आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ हॉटस्पॉट चालू करोगे, ऑटोमेटिक उसके फोन में वाईफाई खोलोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये मेथड बता दिए, तरीके बता दिए। अगर आपको कोई भी तरीके यहाँ पे जनमन लगे हुए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।